अपने समझ में नहीं आता है। तो कृष्ण ने कहा ये ब्रह्मास्त्र है, अश्वत्थामा ने छोड़ा, अश्वत्थामा बोला नहीं, बोले द्रोणाचार्य जी का पुत्र ने छोड़ा। तो अभी उनका अभी क्या करना है, कृष्ण टेक्निक बता रहा है। न ही अस्य अन्यतमं किंचित अस्त्रम प्रति अभिकर्षणम जो ही अस्त्र तेजो उन्नद्धम अस्त्र ग्रही अस्त्र तेजोश। केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। ये ब्रह्मास्त्र है, तुम ब्रह्मास्त्र जानते हो, दूसरा ब्रह्मास्त्र क्यों निरस्त कर सकते, क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान व अत्यंत पटु हो, अतः अपने अस्त्र की शक्ति से उस अस्त्र को तेज को शमन करो। परमाणु बोमा के प्रभाव के निरस्त करने वाला कोई पृथ्वी अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान के द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव प्रशमित किया जा सकता है। और उन दोनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, लेकिन अर्जुन को आता। श्रुत गोस्वामी श्रुत गोस्वामी कहते हैं श्रुत वाचो सुत्त भगवता प्रक्तम फल्गुन और वीर स्पृष्ट आप तम परिक्रम ब्रह्म अस्त्रम संदधे। श्री श्रुत गोस्वामी ने कहा भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसे अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो जब अश्वत्थामा छोड़ा तब उनको भगवान को परिक्रमा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अर्जुन को भगवान अर्जुन भगवान को परिक्रमा। यह से पता चलता है जो भक्त नहीं है अनाथ और जो भक्त है सनाथ है। और अश्वत्थामा को उसी से बचाने कोई नहीं था, लेकिन अर्जुन के सामने कृष्ण है और उन्होंने भगवान को परिक्रमा किया। ये एक चीज हमें सीखना चाहिए, यदि कोई जगह जाते हैं इस तरह हमें तो करते हैं लेकिन करना चाहिए, भगवान का परिक्रमा करके जाने, अर्थात हृदय में बात के लेके जाने और प्रणाम भगवान का प्रणाम करके जाना ही चाहिए। कोई जगह जाएंगे प्रणाम भगवान को परिक्रमा जाएगा अच्छा, यदि नहीं होगा हम देखें कोई तुलसी महारानी है, तुलसी महारानी की परिक्रमा कर जाते तो वो काम शुभ होते हैं। संहत्य अन्नम उभय तेजसी सरसंवृत्ति आवृत्त रोदसी खमच बृधाते अर्कवन्निवात। जब दोनों ब्रह्मास्त्र के किरण मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लघु के संपूर्ण गगन मंडल का आवृत कर लिया। ब्रह्मास्त्र की उद्दीपन से उत्पन्न उष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न उष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, अतः उसकी तुलना प्रलयकालीन उष्मा से की गई है। तो यह ज्यादा से ज्यादा पूर्व तात्पर्य में नहीं दिया है वो ब्रह्मास्त्र कितना शक्तिशाली है, आजकल प्रामाणिक अस्त्र से कितना शक्तिशाली है। पहले तो बता दिया ये सूक्ष्म है ये स्थूल है, वो शब्द उच्चार से तो यंत्र से यह मतलब ये एक ग्रह को तो ध्वंस करता है एक ब्रह्मा एक एक परमाणु अस्त्र, लेकिन एक ब्रह्मांड में हजारों या लाखों लाखों ग्रह नक्षत्र है तो सबको सबको ब्रह्मास्त्र नष्ट कर सकते, क्योंकि उसका जो तेज या प्रलयकालीन उष्मा जो जब सारे ग्रह नक्षत्र पूरा ब्रह्मांड ध्वंस तब जो उष्मा उसी तरह आ रहा है, अर्थात एक ग्रह नहीं सारे ग्रह को नष्ट कर सकते, इतना ब्रह्मास्त्र का तेज। दृष्ट अस्त्र तेजो तु
तयोस्तिन लोकान प्रदादहात महात दज्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकम अमनशत संवर्तक। संवर्तक एक संवर्तक एक बादल भी है जो प्रलय काल में प्रकट है, यह संवर्तक अग्नि भी है, वो अग्नि जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय विध्वंस करते हैं। संवर्तक जब ये जगत ब्रह्मा ध्वंस होगा तब जो अग्नि आता है उसका नाम संवर्तक। उसके बाद जो बारिश होकर सब डुबा देता है उसी टाइम जो बादल आता है उनका नाम भी संवर्तक। तीन अस्तु की सम्मिलन अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों की संवर्तक अग्नि का स्मरण हुआ जो प्रलय के समय लगती है, जो अग्नि का तेज लगे संवर्तक हो सकते जगत प्रलय होने के जा रहा है। तीन लोगों के है ब्रह्मांड गुर्द अधो तथा मध्य के लोग। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था लेकिन अस्त्र का सम्मिलित ग्रीष्म सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोगों के समस्त वासी प्रखर ग्रीष्म के अनुभव करने लगे। वह इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे और अतः कोई भी ग्रह जीव से रहित नहीं है, जैसे कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं। प्रजा उपद्रवम आलख लोको व्यतिकरम चतम मतम च वासुदेवस्य संजहर अर्जुनोदयम। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हरबड़ी एवं ग्रह के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। यह मात की आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संख्या के संघार कर सकता है बसकानी कल्पना है। बसकानी अर्थात 40 मेंटेलिटी। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त तो सशक्त नहीं है। दूसरे वह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशों से सारे कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधीक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेता की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिया जाए और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। ऐसे प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत है और भगवान जो चाहते हैं उसी उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। तत असाध्य तरसा दारुणं गौतमीष्टं बबंध अमर्ष ताम्रक्ष पशुम रसनाया जाता। ताओ के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सी से पशु की तरह बांध दिया। प्रभुपाद तत्व देता है अर्जुन का आंख लाल हो गया तामे की तरह लेकिन कृष्ण का नहीं हुआ है। अश्वत्थामा की माता कृपी का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़ कर पशु के भांति रस्सी से बांध दिया। सीधा स्वामी के मत अनुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। सीधा स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी
हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृभी का पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था, अतः उसके साथ ब्राह्मण के उनके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं, अभी तो पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। शिविराय निनिशंतम रज्ज्वा बद्धा रिपु बलात् प्राह अर्जुनम प्रकोपितः भगवान अम्बुजक्षण। वह पिछले श्लोक में कहा अर्जुन का आँख है तावा की तरह और यह कृष्ण का आँख किस तरह अम्बुजक्षण अपने कमल सदृश नित्य दिख रहा। इधर क्रोध के बाद भी अर्जुन कृष्ण का आँख कमल की तरह है। अश्वत्थामा को बाद लेने के बाद अर्जुन उसे सुना के पराव की अश्वत्थामा के बाद लेने के बाद अर्जुन उसी सेना के पराव की ओर ले जाना चाह रहा था कि आपने कमल नेत्र से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। यह पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों की क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन के आंखें लाल तावे के तप्त तो गोले के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कोमलवत थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं है, भगवान दिव्य है और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्धजीव के क्रोध जैसा नहीं होता है, चूंकि वह पूर्ण है, अतः उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीन गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। कृष्ण किसी पर क्रोध करते हैं, जिसके क्रोध करते हैं वो धन्य हो जाते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। अभी अर्जुन लेके जाना चाहता है, कृष्ण क्या करेंगे, क्रोधित हो गए, इनको मारना चाहिए। अभी देखना अर्जुन का अभी स्थिति क्या हो गया। हाँ, अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद क्या बोला, नष्ट मोह स्थिति लब्धा, मेरा मोह नाश हो गया, मेरी स्थिति लब्ध। लेकिन अभी अर्जुन ने फिर भी अभी मोहित हो गया, करना क्या है। तो ये हमेशा समझ में आएगा, हमें उच्चतर चेतना से हमें विचार करना चाहिए, वो परिस्थिति करना क्या है। मायनम मैनम मैनम पार्थ अर्हसि त्रातुम ब्रह्मबंधम इमाम जो ही जो अशो अनागश सुप्ता अवधित निशिबालकान। मायनम पार्थ अर्हसि त्रातुम, ये अर्जुन इसको रक्षा करने नहीं चाहिए, ये ब्रह्मबंध है। जिन्होंने ये स्वयं बच्चा को हत्या किया बालकों को, भगवान श्री कृष्ण का, हे अर्जुन इस ब्रह्मबंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालक को बात किया। क्योंकि यदि मारना था उसी दिन मारते थे, बात के क्यों लेकर जा रहे, जरूर मारेगा नहीं, बाद में कुछ विचार करेगा। तो विचार करना, कृष्ण बोलते नहीं नहीं ये विचार क्या है, इसके ये तो मारना है। ब्रह्मबंधु शब्द महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं रहता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर सम्मानित किया जाता है, ना कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र सत ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्रों को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अभितु उसे ब्राह्मण के आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होती है। इस तरह जो बात पूर्वक कितना बार कहा, क्योंकि ये
ब्राह्मण घर का संतान, हम ही ब्राह्मण है, इस तरह करके सनातन धर्म के विनाश कर दिया। इसीलिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है। नहीं, ब्राह्मण के संतान ब्राह्मण नहीं हो सकते। पूर्वाद बहुत अलग अलग उदाहरण के माध्यम समझे। भगवद गीता में कृष्ण खुद ने कहा चतुर्वर्ण माया शिष्य गुण कर्म विभाग, गुण कर्म जन्म के अनुसार नहीं, लेकिन तथाकथित ब्राह्मण लोग ने इसको अपव्याख्या करके ब्राह्मण के संतान ब्राह्मण माने। यह पूर्वाद कितना अच्छा उदाहरण है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्र का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुण से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए है और वे उसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। क्यों मानना चाहिए, इसको सुनना नहीं चाहिए, तो कृष्ण युक्ति दे रहे हैं क्यों क्यों मानना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जरम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुमंती धर्मवी। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांत को जानता है वह ऐसी शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान निस्मत्त पागल सोया हुआ डरा हुआ या रथ विहीन हो, न ही वह किसी बालक स्त्री मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तो इस तरह व्यक्ति को वध नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मामला में तो असमर्थ था ही नहीं, कोई कैटेगरी में नहीं पड़ते, उसको मानना चाहिए। धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसी शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न कर। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांत के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि जैसे कि ऊपर कहा गया है तो उसे कभी भी मानना नहीं चाहिए। धर्म युद्धों के ऐसी कुछ नियम है। पूर्व काल में कभी भी साथी राजनेताओं की सेना के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांत के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कोई श्रेष्ठतर होती है। सप्राणं ज परप्राणै प्रपुष्णाति अघृणा खल तत्वधतस्य हि श्रेय यत् दोषान् जाति अधोपमान। ऐसे क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरे के प्राण के बलि पर पलता है उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। जो पाप करते हैं उसका वध नहीं करोगे तुम कर पाप ज्यादा करे, इसको वध करना है, उनका पाप पाप कर्म का रोकना है। जिस तरह अभी दामोदर लीला चल रहा है, जब नारद मुनि देखा ये नलकुबेर मुनिगिरी कितना पाप कर्म कर रहा है तो उन्होंने पाप कर तो बंद करना चाहिए इसको, तो उन्होंने श्राप दिया पेड़ बन जाओ, कौन पेड़ बन जाएगा तो कम से कम पाप तो करोगे नहीं, रुका दे पाप कर्म। तो उसी तरह जिस तरह पापी है उसको हत्या करने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि वह और पाप आगे करेगा नहीं और उनका पाप क्या हो गया, उनके सरकार उनको दंड देने से वो नरक जाने से बच गया। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्ज पूर्वक दूसरे के जीवन को बलि पर चलाते हैं पलता है उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड। राजनैतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसी प्राणदंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राणदंड देता है तो अपराधी के लिए वो अच्छा होता है।
क्योंकि उसे अगले जन्म में उस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसे प्राणदंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और श्रुति शास्त्र में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते, जहां तक कि वे स्वर्गलोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांत के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हरे कृष्णा, इंटरनेट चले गया था। तो एक कोई हत्याकांड होते हैं उनके साथ जो जो व्यक्ति संबंधित है सबको सबको सजा मिलती है। जिस तरह यह कहता है जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करते हैं, जो काटे हुए पशु को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्खों का वितरण करता है, और वही भी जो ऐसे पकाया भक्षों का खाता है, वही भी हत्यारे है और वे सभी प्रकृति के नियम द्वारा दंडनीय है। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले, वह जीव की उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो एक पशु हत्या करने से उनका चेन में जो कुछ है सबको पाप लगते हैं। और इसी तरह उल्टा है, उल्टा फल क्या है? कोई व्यक्ति एक व्यक्ति भगवान के चरण में फूल देता है, जो फूल दिया उनका फायदा होता है, जो बाजार से फूल लेके आ रहा है उनका भी फायदा होता है, जिन बाजार में बिके हैं उनका होता है, जो खेती के उनका होता है, जो फैक्ट्री में खाद है उनका होता है। भगवान का चरण में चाहे कोई कितने ही वैज्ञानिक प्रगति पर क्यों ना कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः मनमानी करके किसी जीव का वध करने के किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु पक्षियों के लिए शास्त्र में सीमित पशु यज्ञ की ही अनुमति है, और इस अनुमति भी कसाई घर के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशु वध को प्रोत्साहित करने के लिए। इस तरह कसाई घर रखना अर्थ किया है पशु खाना नहीं है। जिस तरह देश में शराब का लाइसेंस है, इस तरह नहीं है शराब पीना है, लाइसेंस आता है बंद है। कोई सरकार लाइसेंस दिया है, उनके बच्चे बोले बाबा आप तो पिताजी आप तो राजा आप तो शराब का लाइसेंस दे, चलो हम कल से हम घर में शराब पीते हैं, नहीं, लाइसेंस आते रेस्ट्रिक्शन। तो इस तरह जब शास्त्र पशु हत्या करके बोला है वो लाइसेंस है, इसका अर्थ नहीं है क्या चलो कसाई का न खोलो और पशु हत्या करते। शास्त्र में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है
वह बोलि किए जाने वाले पशु तथा पशु भक्षक दोनों ही की हित में है। तो जब यज्ञ में पशु बोला होता है तो जो पशु को बोली देता है उनके हित होते हैं, जो खाते हैं उनको भी हित होते हैं। और कौशिका में दोनों का नाश, जिसको बोली देते उसको नाश, जो पशु बोली देते उनको भी नाश। यह पशु के हित में या हित में जो है, क्योंकि बोली होने वाला पशु वेदी में बोली होने ही होते ही मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाते हैं। सुनियोजित रूप से चलाया जा रहा है कसाई घाट ऐसे विभत्स स्थान है जो समाज राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार की भौतिक अनिष्ट को पनपने के स्थान है। इनके द्वारा किए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही वह स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंता से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध महामारी अकाल तथा अन्य की अवांछित विपत्तियों से अधिक अधिक दूषित होता जाता है। ये बात पूर्वत बहुत जगह में कहा है। आजकल इतना महामारी अकाल और युद्ध क्यों हो रहा है, इसके एक ही कारण है, वह भौतिक जगत स्वयं ही चिंता से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशु के मौत को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण ये छात्र युद्ध महामारी अकाल तथा अन्य कोई अवांछित विपत्ति से अधिक अधिक दूषित हो जाता है। प्रतिष्ठितम च भवता पंचल्य शिन्नतः मम आहरिष्य शिरतस्य जाते मानिनी पुत्र। कृष्ण अर्जुन को मारने के लिए अश्वत्थ मारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे, बोले इतने ही केवल नहीं, इसकी अधिक मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना कि तुम उसके पुत्र के वध कर्ता को शीर लाकर उपस्थित करोगे। इस तरह अर्जुन उनकी याद कर, तुम तो ये भी प्रतिज्ञा किया ना, तो शीर दोगे उनको, तो अभी उसको अभी मारो। अभी अर्जुन का समस्या हो गया, अब क्या करें। कृष्ण मारने के लिए अभी और हम सुनेंगे, कृष्ण इस तरह बोल रहा है, जब लेके गया द्रौपदी को मारना मत, युधिष्ठिर महाराज वाले नहीं मारना, भीम वाले नहीं मारना चाहिए। अभी अर्जुन का और समस्या हो गया, पहले मारता था कोई समस्या नहीं था, अभी कृष्ण वाले मारो, भीम वाले मारो, द्रौपदी वाले नहीं और युधिष्ठिर वाले नहीं। और बाद में कृष्ण ने उनको स्टेटमेंट घुमाया, देखो तुम बीच में कुछ करो। अभी उनको अर्जुन का सिद्धांत लेना है, अभी करना क्या है। तो इस तरह भगवान भगवद गीता बताने के बाद, कृष्ण साथ में रहने के बाद भी उनके बिजली अभी करना किया है। इस तरह नहीं, गीता पढ़ने के बाद हमको नहीं बना क्या, उसके बाद गीता पढ़ने के कृष्ण के मुख से गीता सुना और अभी कृष्ण साथ में है, अभी कृष्ण नहीं बोला करना किया, अभी अर्जुन को डिसीजन लगा करना किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कृष्ण चेतना में हमेशा रहना चाहिए, तभी हम सही डिसीजन ले सकते। इस तरह नहीं जो हमारे हो गया अभी तो मोह नाश हो गया, जो बोले सब सही होगा, नहीं, ठीक से कृष्ण चेतना में नहीं होगा तो जीवन में बहुत बार हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। यह तक कहाँ से खाने के बैठ गया, तीन चार गुलाब जामुन खाएंगे, एक खाएंगे नहीं, दामोदर महीने महीने मिठाई नहीं खाएंगे। फिर सुबह उठने के टाइम 4 बजे अलार्म बजे, आज उठना क्या, रेस्ट लेना, यहाँ से शुरू करके पूरा जीवन इस तरह डिसीजन लेना है। कौन सा लेंगे क्या लेंगे वो निर्भर करेगा हमारे कृष्ण चेतना का मात्रा। हरे कृष्ण, तो आज प्रभात ज्यादा कुछ बताया नहीं है, तत्पर्च में भागवत में शुरू हो गया। ओके, आज कुछ क्वेश्चन है, गौरी का मुख से कुछ श्लोक सुनेंगे। ओके गौरी बताओ कुछ। गौरी है,
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसन्कुण्डलं भोकोले व्राजमन नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसन्कुण्डलं भोकोले व्राजमन यशोदाविहोलुकलादवमान परमिष्टमद्यन्तदोटृतगोप्या यशोदाविहोलुकलादवमान परमिष्टमद्यन्तदोटृतगोप्या हृदं दम्बुहुण्णेकयुगं विचन नमो देव दामोदर अनंत विष्णु रसिद प्रबोधक जल निमग्न नृप दृष्टि दृष्टि दिन बतानु दीना विष महाग्नि वेदृश कुबेरा जो बत मुठे वयत तया मोचित भक्ति भजते तौच तथा प्रेम भक्ति कमी प्रयाच नमो शीघ्र होमी श्री दामोदर नमो राधिकाय प्रियाय नमो नंद लीलाय देवाय तोपे रूपम लसन कुंडलम भोकुले थैंक यू। हमें तो याद नहीं आता कैसी याद किया, हमको याद नहीं हो रहा है चीज। थैंक यू। कितना दिन लगा तुमको याद करने? रोज पाठ करते हैं। रोज पढ़ती हूँ मैं। हम तो रोज पढ़ते फिर भी याद नहीं होता है हम भी रोज पढ़ते पढ़ना कृष्णा के तो याद होता है मुझे। अच्छा हमसे बहुत कोशिश याद नहीं हो रहा हमारा। हम तो रोज करते फिर भी याद नहीं होते। ठीक है ना राधे कृष्ण वाले मंदिर सिंगाजी जाया करो वहां पे याद हो जाएगा। अच्छा ठीक है तुम्हारा आशीर्वाद के वजह से। अच्छा तुम जाते इसीलिए याद हो गया। रोज दीप दान करती हूँ मैं रात रात। अच्छा इसीलिए याद हो गया। हाँ पापा के साथ जाती हूँ। वेरी गुड थैंक यू। तुम्हारे पास सुनकर हमको भी इच्छा हो रहा है याद करना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण नमो दर्लीला महोत्सवक्ति ग्रंथराशि भगवत की। हरे कृष्ण दंडवत नमः। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।